नमस्कार। भारत और ईरान के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने वाली है। जी हाँ, ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेशती पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है, यानी अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ट्रेडिंग करने के लिए एक नया रूट भी मिल जाएगा, और ऐसा हो जाने से अब भारत के लिए पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेगा। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर चाबहार भारत के लिए इतना खास क्यों है और भारत को इससे किस तरह का फायदा होगा। तो चलिए इन्हीं बातों को, इन्हीं सवालों को हम इस वीडियो में जवाब दिए देते हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि आखिर ये डील चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली क्यों है। तो सबसे पहले ये जानिए कि आखिर चाबहार पोर्ट है कहाँ। चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी से जुड़ा है। ये ईरान में मौजूद पहला डीप वाटर पोर्ट है। ये ईरान को सी रूट के जरिए बाकी देशों से जोड़ता है। चाबहार का एयरपोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी हिस्सा है। यह एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के जरिए कैस्पियन सी और रूस में सेंट्रल पीटर्सबर्ग के जरिए नॉर्थ यूरोप तक जोड़ता है। ये रेल, सड़क और जहाज से माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर का एक लंबा रूट है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर भारत के लिए क्यों जरूरी था पोर्ट। देखिए, भारत दुनिया भर में अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है और इसमें चाबहार पोर्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे ट्रेड कर सकता है। पहले भारत से अफगानिस्तान कोई भी माल भेजने के लिए उसे पाकिस्तान से गुजरना होता था, लेकिन पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद के चलते भारत को एक और ऑप्शन की तलाश थी। चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान में माल भेजना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब भारत अफगानिस्तान को गेहूं भी इसी रास्ते से भेज सकता है। अफगानिस्तान के अलावा ये पोर्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए भी रास्ते खोलेगा, जहां से गैस और तेल भी इस पोर्ट के जरिए लाया जा सकता है। चाबहार पर बात करने के साथ ही यहाँ पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि चाबहार की वजह से गवादर और कराची पोर्ट की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। ये गवादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भी भरमार है, और इसी वजह से चीन ने यहाँ काफी इन्वेस्ट किया है, और यही वजह रही कि बलूचिस्तान के लोग लगातार चीन का विरोध भी करते रहे हैं। गवादर और चाबहार के बीच करीब 172 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यही वो पोर्ट है जहाँ से चीन आसानी से हिंद महासागर तक पहुँच सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि वो भारतीय नौसेना के अलावा अरब सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना पर भी नजर रख सकता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में क्या एक्टिविटी चल रही है, इस पर भी चीन अपनी आंख रख सकता था। तो अगर ओवरऑल देखें तो गवादर पोर्ट भारत के लिए सीधा खतरा था, और इसका केवल एक ही जवाब था, चाबहार। इतना ही नहीं, भारत ने चाबहार में 213 किलोमीटर लंबी एक सड़क का काम भी पूरा कर लिया है। ये सड़क अफगानिस्तान के निमरोज से निकलती है, और इस सड़क से ईरान को चाबहार मिलाक रेल रूट को अपग्रेड करने में भी मदद मिलेगी। चाबहार पर भारत की मौजूदगी से साफ है कि वो चीन के सामने इस हिस्से में कमजोर नहीं है। आपको बता दें कि इस पोर्ट पर वाजपेयी सरकार के समय से ही काम चलता आ रहा है। 2003 में तब इसे लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत भी हुई थी, लेकिन इसके बाद अमेरिका की ईरान से चल रही तनातनी के बीच इसे रोकना पड़ा था। इसके बाद यूपीए सरकार के दौरान 2013 में मनमोहन सिंह ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात भी की थी, लेकिन बात तब आगे बढ़ी जब 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया। तब मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ इस एग्रीमेंट पर साइन किए थे। इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने चाबहार के एक टर्मिनल में 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की भी घोषणा की थी। साथ ही भारत ने इस बंदरगाह के डेवलपमेंट के लिए 1250 करोड़ रुपए का लोन देने की भी बात बताई थी। इन सभी कोशिशों का ये नतीजा है कि अब इस पोर्ट को अगले 10 साल के लिए भारत को लीज पर दे दिया गया है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।